जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पर किया गया एक ऐसा उपाय जो दिवाली से पहले ही आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिला सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं, चंद्रमा, अमृत और माँ लक्ष्मी, इन तीनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी, इसलिए इनका आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है और शरद पूर्णिमा के दिन ये तीनों एक ही साथ होते हैं। चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और इसी रात्रि में माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं, अपने भक्तों के घर आती हैं। फिर तो शरद पूर्णिमा का महत्व दिवाली से भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे घर आती हैं। अब ऐसा क्या करें कि धन की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम पर भी हो जाए। बहुत छोटा सा काम और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिल सकती है। करना क्या है? आज की रात्रि में घर में माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का अखंड दीपक अवश्य जलाएं, जो शाम से लेकर सुबह तक जलता रहे। इस बात का ध्यान रखें, मन में ऐसा ध्यान रखें कि आज माँ महालक्ष्मी हमारे घर आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए रात्रि जागरण करें और एक मंत्र मैं बता देती हूँ आपको, जिसका आपको जप करना है। कमलगट्टे की माला से कम 11 माला। माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करने के बाद उन्हें खीर का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करें। फिर दीपक के सामने लाल आसन पर बैठकर मंत्र जप करें। मंत्र है ओम श्रीम, ओम श्रीम। रात्रि में अगर इस मंत्र को आप 51 या 108 माला जप करें तो बहुत ही अच्छा होगा, पर अगर पूरा नहीं जप सकते हैं तो कम से कम 11 माला या 21 माला अवश्य करें। एक और बात, जप करते समय आप गुलाबी वस्त्र या लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये अत्यंत प्रिय है माँ महालक्ष्मी को। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। उसके सामने एक घंटी का आइकॉन आता है, उसे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी आप सबको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें।